सम की अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने स्टूडेंट्स के फीस जमा करने की डेट अनाउंसमेंट किया है। इस बार आप अपने सिस के अकाउंट से फी चालान डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, आपने अपने सिस अकाउंट को ओपन करना है और आपने फी चालान को जनरेट करना है और आप निकाल के बैंक में जमा कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं फी नोटिस। और इम्पोर्टेंट बात यह कि जो लोग एसएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुए हैं, जो लोग सेलेक्टेड हैं, वो इस सेमेस्टर का फी पे नहीं करेंगे। ठीक है, देखें लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग द स्टूडेंट्स हु गॉट एसएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आर एडवाइज टू डिपॉजिट दियर सेमेस्टर फी अदर चार्जेस ऑफ सेपरेट 2020 प्लस फुल सेमेस्टर फी ऑफ फॉल 2020 बिफोर द डेडलाइन इज मेंशन बिलो। ठीक है, जो एसएस स्कॉलरशिप में सेलेक्टेड हुए हैं वो लोग, अब आप इधर देख सकते हैं, नॉर्मल फी विदाउट लेट फीस। ठीक है, विदाउट लेट फीस आपने पे करना है, अभी जारी है, आप 15 अक्टूबर तक ये पे कर सकते हैं। अब देखें इसके अलावा विद लेट फीस, ठीक है, 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 19 तारीख तक सेमेस्टर फी को जमा कर सकते हैं, और आप डबल लेट फीस के साथ पे करेंगे तो ये इसका 21 लास्ट डेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फी चलन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम स्टूडेंट सिस अकाउंट। ठीक है, फी चलन को आप अपने सिस अकाउंट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है और इसमें मैं लिखता हूँ sis.uobs.edu.pk। अगर आप मोबाइल ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल ब्राउज़र में ही कर सकते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जो मैं इधर करता हूँ वो आप अपने मोबाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको सर्च करना है। अब यूनिवर्सिटी बच्चा के स्टूडेंट पोर्टल ओपन हुआ है, मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। आपने इधर यूजर नेम लिखना है और इसमें पासवर्ड लिखना है, इसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अब देखें आपके सामने यूनिवर्सिटी बच्चा के स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हुआ है। अब देखें आप थोड़ा नीचे आ जाएँ, आपके सामने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब देखें आपको इधर नज़र आ रहा है अकाउंट बुक। ठीक है, ये सारे आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, लेक्चर्स हैं, रजिस्टर कोर्स, अटेंडेंस हैं, असाइनमेंट हैं, रिजल्ट हैं, ई बुक्स हैं, टाइम टेबल हैं, अकाउंट बुक। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आइकन आपको नज़र आ रहा है अकाउंट बुक, इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखें इस पर फीचर पर आपकी फी डिटेल्स इधर शो हो रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, जो कोर्सेज हैं फॉल 2019, ठीक है, सेमेस्टर फी, ये सारे इधर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट 15,600 हैं जी, 25,300 ये टोटल अमाउंट हैं। अमाउंट और रिसीव, ठीक है, जब आप पे करेंगे तो इधर रिसीव, जब उनको रिसीव हो जाएंगे तो इधर शो हो जाएगा। लास्ट डेट जो फी पे करने की लास्ट डेट है वो इधर डिस्प्ले हो रहा है, देखें 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, और स्टेटस जब आपका फ़ी पेड हो जाते हैं, जब आप फी पे करते हैं तो इधर स्टेटस में पेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इधर नज़र आ रहा प्रिंट स्लिप का ये आइकॉन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये प्रिंट स्लिप का बटन आपके सामने, अब देखें ये प्रिंट स्लिप आपको इधर नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं फॉल 2020 हैं, ठीक है, सेमेस्टर फी है BSc 19। ठीक है, इस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, और जो टोटल अमाउंट पे करना है आपने वो 15,600 रुपये इधर नज़र आ रहा है। जब आप पेड करेंगे रिसीट हो जाएंगे, तब जब उनको रिसीट होंगे तो इधर डिस्प्ले होगा, और लास्ट डेट आपको नज़र आ रहा है 10/15/2020, ये लास्ट डेट है। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान बात है, बहुत आसान काम है, मैं प्रिंट स्लिप क्लिक करता हूँ। अब देखें आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज़। अभी बस देखें आपके सामने ये फीचर डिस्प्ले हो रहा है, देखें नेम है, आदमी लिखा हुआ है, पहले ये सारी चीज़ें हमें लिखना पड़ता था, देखें स्लिप नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, फादर नेम, प्रोग्रामिंग, ठीक है, और ये जो फीस डिटेल ये सब हमें पहले लिखना पड़ता था, अभी देखें ये ऑटोमेटिकली अभी ये ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है। ठीक है, चार कापी आपके सामने शो हो रहा है, एक होता है बैंक, एक है बैंक कापी, दूसरा अकाउंट्स कापी, और तीसरे पे डिपार्टमेंट कापी एंड स्टूडेंट कापी। ठीक है, आपने बैंक कापी वो लोग बैंक वाले खुद रखेंगे, अकाउंट्स कापी हैं और डिपार्टमेंट कापी। ठीक है, डिपार्टमेंट कापी को आपने यूनिवर्सिटी में जमा करना है। बैंक कापी वो लोग खुद रखेंगे, अकाउंट्स कापी और डिपार्टमेंट कापी को आपने यूनिवर्सिटी में जमा करना है, और स्टूडेंट कापी आपने अपने साथ रहना है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें और प्रिंट पे क्लिक करें। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करें, इसके बाद आपने पहले इसको सेव करना है, इसके बाद आप प्रिंटर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो डिजिग्नेशन पे आके इधर से थोड़ा चेंज कर लें, ये सेलेक्ट करें। ठीक है, इससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं।
अब आपने इसको प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालने के लिए राइट क्लिक करें और आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच है तो आप इधर से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद प्रिंट करें, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में प्रिंटर अटैच नहीं है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह से सेव एज पीडीएफ क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एज पीडीएफ करने के बाद आप इधर सेव पे क्लिक करना है, तो ये चलन से हो जाएगा, मैं यूवीएस फ्री चलन करता हूँ, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की किसी भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।